Friends, today's topic is related to prejudice and stereotypes. It's a small topic in the chapter Social Inequality and Social Exclusion. कल हमने स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया था एक्सक्लूजन क्या होता है एंड व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल एक्सक्लूजन, स्ट्रेटिफिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं. इसी में आगे हमारा चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजुडिस इज द प्री जजमेंट्स, प्री कंसीव्ड आइडियाज, योर व्यूज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट नोइंग द फैक्ट्स. तथ्यों को जाने बिना, सच्चाई को जाने बिना हम किसी ग्रुप के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में जो भी पहले से विचार बना लें उसको कहा गया प्रेजुडिस. अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव मतलब किसी के बारे में अच्छे विचार भी हो सकते हैं और किसी के बारे में हमारे बुरे विचार भी हो सकते हैं. लेकिन ज्यादातर हमारे जब हम वर्ड यूज करते हैं प्रेजुडिस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज. सो दीज आर ओपिनियंस, ये राय है लोगों की. फॉर एग्जाम्पल इन द कास्ट सिस्टम अ पर्टिकुलर क्लास इज लेबल्ड एज कंजूस, अ पर्टिकुलर कास्ट इज लेबल्ड एज नॉट ट्रस्टवर्दी. किसी जाति के बारे में कहा जाता है ये तो कंजूस होते हैं, किसी जाति के बारे में कहा जाता है इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. सो दीज आर प्रेजुडिस. व्हाई इट इज फॉर्म्ड, क्यों हम ऐसा सोचते हैं बिना जाने, क्योंकि दीज आर ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप्स. प्रेजुडिस जो है वो स्टीरियोटाइप्स के ऊपर आधारित है. तो अब क्वेश्चन ये आता है स्टीरियोटाइप क्या होता है. स्टीरियोटाइप है जो कि फिक्स्ड है, इनफ्लेक्सिबल, उसमें कोई चेंज, कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. सो स्टीरियोटाइप्स आर फिक्स्ड, दे आर इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थॉट्स इन द सोसाइटी. ये किसी रेस के बारे में भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर रेस, ग्रुप्स के बारे में भी हो सकते हैं, विमेन के बारे में भी हो सकते हैं, या किसी और के बारे में भी हो सकते हैं. जिस तरह से कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे लोगों के, इंडियंस के बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में अलग अलग राय बनाई गई. फॉर एग्जाम्पल सिख कॉम इज अ ब्रेव कॉम, बड़ी बहादुर कॉम है सिख कॉम, मार्शल कॉम है. तो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो चले आ रहे हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज दैट क्वालिटी. जरूरी तो नहीं है कि उस जाति के सारे मेंबर वैसे हैं, बट दीज आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स. प्री जो हमारे बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंसेस विद एज विद टाइम जो हमारे थॉट्स बन जाते हैं, हमारी राय बन जाती है किसी एक समूह के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, विमेन के बारे में, उनको कहा गया स्टीरियोटाइप्स. और इन स्टीरियोटाइप्स के ऊपर आधार पर बनते हैं हमारे प्रेजुडिस. थैंक यू.